गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, नेक्स्ट पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जो होमवर्क देते हैं उसको हम चेक करते हैं। तो आज भी हम सबसे पहले हमारा जो होमवर्क था उसको चेक करते हैं। तो बताइए, जो आप सब ने होमवर्क कर लिया होगा, अपनी कॉपी खोले और उस होमवर्क को ढंग से आप चेक करें। पहला वाक्य था, वह जा चुका था। होमवर्क चेक करें आप सबसे पहले, वह जा चुका था। तो कैसे बनेगा, ही हैड गॉन, वह जा चुका था। दूसरा वाक्य देखिए, तुम एक कहानी लिख चुके थे। तुम एक कहानी लिख चुके थे। यू हैड रिटन ए स्टोरी, तुम एक कहानी लिख चुके थे। यू हैड रिटन ए स्टोरी। नेक्स्ट, वह शाम से फुटबॉल खेल रहा था। वह शाम से फुटबॉल खेल रहा था। बताइए इसका, देखिए, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस चेक करें, मेरा भाई एक कार खरीद चुका था। मेरा भाई एक कार खरीद चुका था। माई ब्रदर हैड बॉट ए कार। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। यह आप होमवर्क चेक कर ले सभी ढंग से। वह जा चुका था, ही हैड गॉन, तुम एक कहानी लिख चुके थे। यू हैड रिटन ए स्टोरी, वह शाम से फुटबॉल खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग, मेरा भाई एक कार खरीद चुका था। माय ब्रदर हैड बॉट ए कार, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो ये वाक्य आप चेक कर ले। और नेक्स्ट, अब हम होमवर्क चेक करने के बाद जो हमारा लेक्चर आज का हम शुरू करने जा रहे हैं, उस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है टेंस का, उस टेंस के टॉपिक में हमारा ये फ्यूचर टेंस हम शुरू करेंगे अभी, फ्यूचर टेंस। देखिए, हम पिछले लेक्चरों में प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके, पास्ट टेंस पढ़ चुके, आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार के होते हैं, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इनडेफिनेट
टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर भी चार प्रकार के होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए आज हम सबसे पहले शुरू से सिंपल फ्यूचर टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल फ्यूचर, देखो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, कौन सा काल, भविष्य काल। आपको पता है टेंस तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर तो देखिए हिंदी में जो इसकी पहचान है, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में गा गी गे, इनका यूज किया जाता है। जैसे वह जयपुर जाएगा, वह जयपुर जाएगा, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, ही विल गो टू जयपुर। तो इंग्लिश के अंदर जो पैटर्न है इसके, वो देखिए अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, विल, सेल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव देखिए सब्जेक्ट, विल, सेल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में देखिए विल, सेल, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखिए विल, सेल, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये चारों वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल फ्यूचर के ये चारों स्ट्रक्चर आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश में सबसे पहले लिखा जाता है, चाहे वो हिंदी का वाक्य हो चाहे इंग्लिश का वाक्य हो। अब हिंदी के वाक्य में क्रिया अंत में आती है, लेकिन इंग्लिश में क्रिया सब्जेक्ट के बाद में आती है। यहाँ पर क्रिया विल, सेल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, विल, सेल, दो हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब है विल और सेल, मॉडलों के बाद में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें, विल सेल के बाद में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस ई एस आई एन जी का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए हमें मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म का ही ध्यान रखना चाहिए कि मॉडल यदि वर्ब है तो हमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करें। नेगेटिव में सब्जेक्ट है ही, विल सेल के बाद में नॉट, विल नॉट, सेल नॉट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल सेल, सब्जेक्ट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल सेल, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पर स्ट्रक्चर में मैं आपको समझा रहा हूँ,
आप देख रहे होंगे इस चीज़ को कि विल सेल का यूज हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो विल सेल का यूज आई और वी सब्जेक्ट के साथ, सेल का यूज किया जाता है टेंस में। किसका यूज किया जाता है? सेल का। कौन से सब्जेक्ट के साथ में? आई और वी के साथ में। अदर जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे ये ही, सी, इट, यू, दे, नेम, इनके साथ में विल का यूज किया जाता है। विल सेल के बाद में फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी ही पड़ेगी, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखने की बात है, याद रखने की बात है कि विल सेल के बाद में फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करें और हमें आई और वी के साथ में सेल का यूज करना चाहिए। ही, सी, इट, यू, दे, नेम के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब का यूज हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अब देखिए, मैं एक वाक्य लिख रखा हूँ, ये वह जयपुर जाएगा, तो ही सब्जेक्ट है, तो विल जाएगा, यानी कि गो फर्स्ट फॉर्म है। कहाँ जाएगा? जयपुर। अजमेर है तो टू अजमेर, विद्यालय तो टू स्कूल, बाजार है तो टू मार्केट, ऐसे हम वाक्य बना लेते हैं। वह कल एक कार खरीदेगा, तो देखिए कल खरीदेगा, आने वाला कल, टुमारो। ही विल, खरीदने की वर्ब बाय, तो बाय ए कार टुमारो, ऐसे हम वाक्य बनाते हैं। ऐसे हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव बना लेते हैं। तो मैं एक वाक्य आपसे पूछता हूँ, तुम कल अजमेर जाओगे, तुम कल अजमेर जाओगे, तो यू विल गो टू अजमेर टुमारो। हम कल फिल्म देखेंगे, वी सेल वॉच ए फिल्म टुमारो। ऐसे हम वाक्य फ्यूचर टेंस के बनाते हैं। तो फ्यूचर टेंस के जो वाक्य बनाते हैं, उनके अंदर क्रिया में गा, गी, गे का यूज किया जाता है। जैसे जाओगे, देखेंगे, आएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, ऐसी क्रिया के अंत में आते हैं, विल सेल का यूज किया जाता है। और समय जो दिया जाता है वो फ्यूचर टाइम दिया जाता है, जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ऐसे। तो इसके बाद में हम दूसरा टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में, जो नेक्स्ट टेंस होगा नंबर टू, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब मैं पहले ही बता रखा हूँ आपको,
कि आईएनजी का यूज होता है। अब फ्यूचर में यानी काम फ्यूचर में जारी रहेगा, जैसे रा होगा, हिंदी में रा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे। इंग्लिश के अंदर जो पैटर्न है हमारा अफर्मेटिव का, तो बताइए कैसे बनते हैं। अब सबको आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। अब क्रिया होगी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रूप में विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट विल नॉट बी, शैल नॉट बी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। आ रहा होगा समझ में, नॉट लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद में, विल नॉट, शैल नॉट। शॉर्ट में वॉन्ट भी लिख सकते हैं, सेंट। इंट्रोगेटिव में विल को और शैल को स्टार्ट में लिख दो। ये फॉर्मूले आप सबको याद होने चाहिए ढंग से, तभी वाक्य बनते हैं। विल, शैल, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर, फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर कोई कार्य अभी भी जारी रहेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे मैं एक वाक्य लिख के बताता हूँ हिंदी में, हम कल इस समय, हम कल इस समय जयपुर जा रहे होंगे। फ्यूचर प्लान एक्शन है कि कल इस समय हम जयपुर जा रहे होंगे, हम कल इस समय जयपुर जा रहे होंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार कैसे वाक्य बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है हम, तो वी, सेल, मैंने बताया था अभी वी के साथ सेल का यूज करना चाहिए, वी सेल बी, जाना वर्ब इसमें तो गोइंग टू जयपुर, वी सेल बी गोइंग टू जयपुर एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, We shall be going to Jaipur at this time tomorrow. समझे? नोटिस करें अच्छी तरह से, देखें, सुने इस चीज को। सब्जेक्ट हर वाक्य में इंग्लिश में, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सब्जेक्ट कर्ता, कार्य करने वाला शुरू में रहता है। उसके बाद में वर्ब विल बी, शैल बी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। आ रहा होगा समझ में? ऐसे हम नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट बी, शैल नॉट बी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लास्ट में रहता है, अंत में फुल स्टॉप आ जाता है। इंट्रोगेटिव में विल, शैल, सब्जेक्ट, विल, शैल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर में विल, सेल, सब्जेक्ट, बी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। विल, सेल, सब्जेक्ट, बी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल, सेल, सब्जेक्ट, यहाँ पर भी थोड़ा सा
देखिए मेन वर्ब बी, मेन वर्ब की फर्स्ट वर्ड में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना चाहिए, जल्दीबाजी में कहीं बात लिखने में भी गलतियाँ हो जाती है। विल सेल, सब्जेक्ट बी मेन वर्ब की फर्स्ट वर्ड में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल सेल, सब्जेक्ट नॉट बी मेन वर्ब की फर्स्ट वर्ड में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो ध्यानपूर्वक इनको वापस एक बार और नोटिस करें, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर विल बी सेल भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, तो नेगेटिव बनाने के लिए केवल नोट का ही प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव में विल सेल, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, बी दे रखा है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, हम कल इस समय जयपुर जा रहे होंगे, तो मैंने उसी स्ट्रक्चर पर यह वाक्य समझाया है, वी सेल बी गोइंग टू जयपुर एट दिस टाइम टुमारो। शायद समझ में आ रहा होगा तुम्हें, देखिए अच्छी तरह से। एक वाक्य और देखते हैं इसका, तुम कल शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, तुम कल शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो इवनिंग। तो ये दो वाक्य मैंने अभी समझाए कि इसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय दिया जाता है, कल शाम को, कल इस समय, कल 2 बजे, कल 3 बजे, कल 4 बजे, अगले सप्ताह इस समय, ऐसा एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित प्लान बनाने के लिए दिया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम इन नियर फ्यूचर। भविष्य के अंदर, नज़दीक, फ्यूचर के अंदर किसी निश्चित, ठीक है, समय में कोई कार्य की योजना बनाई जाती है। जैसे कल इस समय हम टेस्ट दे रहे होंगे, ऐसे वाक्य। पॉइंट ऑफ टाइम, ये इसकी पहचान होती है, उसका इंग्लिश में हम ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूस के जो वाक्य होते हैं उनमें रा होगा, रही होगी, रहे होंगे होते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो नियर फ्यूचर का दिया जाता है, और कार्य एक निश्चित समय पर चल रहा होता है। नेक्स्ट टेंस हम जो पढ़ेंगे तो बताइए कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, लेकिन उससे पहले अपन, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट से पहले इस टेंस का कुछ होमवर्क भी आपको करना चाहिए। तो उस होमवर्क को आप सबसे पहले नोट करें, मेरी माताजी जयपुर से आएगी, मेरी माताजी जयपुर से आएगी, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे,
वे कल विद्यालय जाएंगे। हम कल इस समय एक फिल्म देख रहे होंगे। वह एक कार खरीदेगा। ये वाक्य आप बना के लाएंगे, ठीक है। ये होमवर्क के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरी माताजी जयपुर से आएगी, ये फ्यूचर टेंस का है। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये फ्यूचर टेंस का नेगेटिव वाक्य है। वे कल विद्यालय जाएंगे। हम कल इस समय एक फिल्म देख रहे होंगे। वह एक कार खरीदेगा। ये सारे वाक्य आप अच्छी तरह से जो होमवर्क डेली करते हो उस होमवर्क में, ठीक है, रेगुलर अच्छी राइटिंग में अच्छी तरह से वाक्य बनाने चाहिए। और इन वाक्यों को बार बार पढ़कर इसी प्रकार के दूसरे वाक्य बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर, ठीक है, मैंने सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में, ठीक है, पढ़ाया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।